जी जनाब शारदा यूनिवर्सिटी इतने ही आना ही है। आखिरी मकाम है ये कि आठ मकाम है? ओठ मकाम, ओठ मकाम, दौड़ मकाम। जिंदगी पूरी है। अल्लाह अब बोलो तो सही हो। अल्लाह अकबर। लकड़ने वैसे ना दोस्ती कर ली उधर पीछे देखें जरा। हाय हाय यूनिवर्सिटी जी। नाज़रीन ये शारदा यूनिवर्सिटी जो बुद्धस यूनिवर्सिटी कहलाती है, ये उसके आसार कदीमा के आप देख सकते हैं मंजर। सही सुनने बहुत इंजॉय किया आपने सीढ़ियाँ। बहुत बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। अपने को इवैल्यूएट करते रहना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। ये जी बड़ी माशाल्लाह जदोजहद के बाद यहाँ पहुँचे हैं ये। जी भाई एंजॉय कर रहे हैं? अभी हालत नहीं कुछ कहने की, हालत कुछ कहने की नहीं है। जी भाई आप एंजॉय कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कर रहे हैं। कितनी तकरीबन 400 सीढ़ी चढ़ ली आपने? हाँ थोड़ा सा सांस तो चढ़ा लेकिन अभी ठीक है। ठीक है मौसम। सर आप क्या कहेंगे? पूछो मैं सबसे। माशाल्लाह जी ये मुश्ताक साहब सबसे पहले पहुँचे हैं और हमारे सीनियर साथी हैं, लेकिन इनका जो जोश व जज्बा जो है उम्र के साथ साथ जवान होता जा रहा है। और ये राना फयाज साहब हैं। सर थके तो नहीं हैं? नहीं नहीं ठीक है, फिट है, ठीक हो गया माशाल्लाह। ये बहुत ज़्यादा हाइट पे आपको दिखाते हैं, ये आए हैं ऊपर। और जी सर थके तो नहीं है? थके तो नहीं है? नो नो नो। ओके जी आप बताएं जी। हाँ जी थके तो नहीं है? नहीं जी बिल्कुल ठीक हो गया। आ जाए जी आसिफ साहब, आपके लिए कोई मुश्किल सफ़र ही नहीं था? कोई मुश्किल नहीं माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। बुजुर्गों के लिए बहुत मुश्किल है, नौजवानों के लिए मुश्किल। आप अपने आप को बुजुर्गों में गिनते हैं? मैं अपने आप को जवानों में जी। आखिरकार चलो जी थके तो नहीं है? नहीं सर ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तारिक है और ये आप पीछे देख रहे हैं ये बैकग्राउंड, ये शारदा यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस से लोग टूर करने आते हैं और आप देख रहे हैं कि टूरिस्ट का रश लगा हुआ है। और ये जो यूनिवर्सिटी है बहुत ही कदीमी है, तकरीबन बताया जाता है कि आज से तकरीबन 4000 साल पहले ये यूनिवर्सिटी बनाई गई। किस तरह बनाई गई? यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। कोई कहते हैं जनाद ने बनाई है, कोई कहते हैं किस तरह बनाई गई, तो इसके डिफरेंट व्यूज़ हैं लोगों के। जनाद के हवाले से ये मशहूर है कि एक जिन था वो जो है ना लड़की से मोहब्बत करता था, तो उस लड़की ने उसको कहा कि आप जो है ना यहाँ पे मुझे एक महल बना के दें, एक रात में मैं आपसे शादी कर लूँगी। तो उसने काम शुरू किया रात में, तो अजानों से पहले उसने कहा कि अजान से पहले पहले आपने ये सारा महल बना देना मुझे। तो वो लड़की ने जो है ना एक घंटा पहले अजान दिलवा दी, उसका थोड़ा सा काम रहता था। तो जो हमने सुना है, मुझे नहीं पता कि अब वाकई ऐसा है या नहीं है, लेकिन जो हमने लोगों से सुना है वो इस तरह है। तो वो ये काम मुकम्मल ना कर सका, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि वो फ़ौरन वहाँ पर मर गया। और ये जगह उसकी वजह से काफी पुरानी आपको नजर आ रहे हैं इस तरह के पत्थर। आप ये शारदा का मेन जो आप ये तहसील है, तहसील शारदा। हाँ तहसील शारदा, नीलम जिला, डिस्ट्रिक्ट नीलम वैली है ना? नीलम वैली जी, और इसकी तहसील शारदा। जी नाज़रीन हमने यहाँ पर भाई से सारी तारीख यूनिवर्सिटी के हवाले से जानी और यहाँ पर मज़ीद लोग यहाँ पर सेल्फियाँ मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये फोटोग्राफी हो रही है। और ये कदीम ये साइड पर दिखाएँ, ये शारदा का जो मेन जो वहाँ पर डिस्प्ले किया गया है तस्वीर को। और सर अयूब अंसारी साहब से बात कर, सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी खूबसूरत जगह ये शारदा यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, इसके बाद हमने आगे किधर जाना है? हमने इंशाल्लाह आगे केल जाना है, ठीक है, तकरीबन कुछ 2 घंटे का सफ़र है आगे है। तो हम वहाँ केल स्टे होगा हमारा, कि हम वहाँ होगा और सुबह हम अड़ंग केल जाएंगे। जी अड़ंग केल, केल से कितना है? अड़ंग केल जो है वो आगे डोली में क्रॉस करना है दरिया, दरिया क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है और आगे तकरीबन कुछ 1.5 से 2 घंटे का पैदल
ट्रैक है वो पैदल है। इसके बाद ताऊ बट कर जाने का कब प्लान बनेगा? वो हम इंशाल्लाह बुध को उससे अगले दिन उससे अगले दिन वापस हम क्या फिर केल करें और उसके बाद हम दोबारा फिर जीपों में जाएंगे उधर ताऊबाट से फिर हम वापस जब आएंगे तो हम फिर नीलम जाएंगे अपर नीलम में स्टे होगा। अपर नीलम उसके बाद रति गली का क्या है? जी रति गली का जो है वो अभी बताया गया है कि वो अभी बंद है। अच्छा। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि वो दो दिन ये हमारे गुजर जाएंगे तो वो रास्ता ज्यादा करीब हो जाएगा, तो कोशिश करेंगे कि हम वहाँ तक पहुँचने की, लेकिन अभी बता रहे हैं कि वो 3 से 4 घंटे का पैदल सफर। लेकिन अगर तो अड़न जो रति गली लेक है वो लोग बहुत एक्साइटेड हैं, तो अगर वो ट्रैक पे खुद मतलब वो जाना चाहते हैं कि पैदल ट्रैक पे, तो उसमें इंतजामिया क्या तावन करेगी? इंशाल्लाह जाएंगे। ठीक होगा, बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, हमारे साथ अयूब अंसारी साहब जो टूर को सारा मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने गुफ्तगू की यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम भाई, इंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज्यादा। क्या नाम है आपका? हसीब अहमद। हसीब साहब आप पहली बार आए हैं? आप यहाँ पहले आ चुके हैं? पहली बार आए हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ से मुजफ्फर साहब मौजूद हैं। सर कैसे हैं? खैरियत, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत एंजॉय हो रहा है। ये जो है अपने कौन सी ये शारदा यूनिवर्सिटी बहुत अरसा दराज से ये पुरानी है, 100 साल हो चुके हैं। ठीक है। यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं एंजॉय के लिए और बहुत मजा आ रहा है। आप भी तशरीफ लाएं, हमारा ये पैगाम। आपका एक लकड़ डांस बहुत मशहूर है, आप करते होते हैं, थोड़ा सा ये होगा स्टेप होगा यहाँ पर कि नहीं होगा? यहाँ पे मेरा तो ख्याल में है कि पूरा ग्रुप जो है वो लुडी डालनी चाहिए और जो लकड़ डांस जरूर होना थोड़ा चाहिए। थोड़ा सा एक स्टेप होगा तो लोग जरा एक्साइटेड होंगे। ऐसे होना चाहिए बहुत मज़ा आ रहा है। नाज़रीन जी आपने देखा ये लकड़ डांस हो रहा था, ये लकड़ डांस बहुत यहाँ पर इनका मशहूर है। और ये भाई मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, इधर बात सुने। हेलो वो भाग गए हैं, बात नहीं करना चाह रहे। यहाँ के बच्चों से बात करते हैं जी, यहाँ के खूबसूरत यहाँ पर बच्चे। अस्सलाम वालेकुम बेटा, नाम क्या आपका? आकिब। आपका? आमर। अमर आप यहाँ पर पढ़ते हैं या पर इस इलाके के ही है ना पढ़ते हैं या जॉब कोई काम शाम करते हैं? पढ़ते हैं। किस क्लास में? 6वीं। 6th क्लास में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ पर जो आप इंजॉय करते हैं टूरिस्ट के साथ, यहाँ आप उनको गाइड करते हैं, क्या करते हैं? गाइड करते हैं। तो कौन से स्कूल यहाँ से कितनी दूर है आपका स्कूल? ये साथ ही कॉलेज। साथ ही? अच्छा, कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज भी साथ ही है जी। आप कौन सी क्लास में है? 7। 7th क्लास में। ठीक होगा जी। नाज़रीन ये देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर इंजॉय, यहाँ पर टूरिस्ट के लिए हेल्प करते हैं उनकी। जी भाई एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा एंजॉय कर तो रहे हैं। तो कौन सा मुकाम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आपको? अभी तो जो अपर नीलम था वो भी जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और अब ये वाला मकाम बहुत प्यारा लगा और इसकी तारीख के बारे थोड़ा सा भाई ने बताया, उसके बारे सुना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जी नाज़रीन यहाँ पर ये देख सकते हैं फोटोग्राफी हो रही है साइड पर, देखें और ये भाई बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, कैसे? वाले सलाम सर, आप सुनाएं? ठीक है। और क्यों कहूँ सर, बच्चे ठीक हैं? आपको शुक्र है। छाल मार दें यहाँ से। क्यों? आप अच्छे लगेंगे। छाल क्या होती है? ये छाल होती है कि छलांग लगा देना। छलांग क्या होती है? छलांग होता है डिग पहना। डिग पहना क्या होता है? जैसे मैं अभी डिगा था मेरा ऐसे गिटा ना टूट गया। डिग सर, डिग के ऐसे मैं जंप किया तो फिर ऐसे करके मैं डिग गया था। कैसे करके सर? ऐसे ये ऐसे जैसे लेग ब्रेक करते हैं, ऑफ ब्रेक करते हैं सर? ऑफ ब्रेक किया था मैंने। पलटी मारी? यस बिल्कुल, पलटी मारी, वो मेरी वो बस बच गई थी वो भी। तो ये इसका फ्रैक्चर आ गया। अब आपको उठा के लेके जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इंशाल्लाह। कहाँ से ली है सर? ये हमने ली थी कहाँ से बेटा? नो, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जाती खाई है, जाती अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको मतलब चीजें गैप करने की भी आदत है सुना? नो बिल्कुल ना। आप क्या कहेंगे? ये भाई इल्जाम आते हैं पूरे, लोग ऐसे ही इस पर कुछ शक करते हैं, लेकिन बंदा बड़ा नाइस है, बड़ा गुड है और नेचर वाइज बड़ा अच्छा है, दिल का बड़ा साफ है। भाई आप क्या कहेंगे? भाई बहुत नाइस है लेकिन भाई खुद पीछे छोड़ आए हैं, मैं खुद उनको लेके आया हूँ इस हालत में। शानी भाई की I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe, and I don't wanna
I'm gonna make you mine.